हमीरपुर के कोविड केयर सेंटरों में कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर घर जा रहे हैं और अब तक 12 मरीज हमीरपुर से स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। इनमें से 11 मरीज भोटा राधास्वामी चैरिटेबल अस्पताल में उपचाराधीन थे और एक मरीज को डुग्गा केयर सेंटर से घर भेजा गया है। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के चिकित्सा अधीक्षक एवं नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि टौनी देवी क्षेत्र के गौडू गांव का व्यक्ति सेकेंडरी आइसोलेशन सुविधा स्थल भोटा में 18 मई से उपचाराधीन था। उसके प्रथम फॉलोअप सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर अब इस व्यक्ति को होम क्वारंटीन के लिए भेज दिया गया है, जबकि दूसरा व्यक्ति वर्षा क्षेत्र के तेज गांव का है और समर्पित कोविड केयर सेंटर डुग्गा में गत 16 मई से उपचाराधीन था। इन सभी के नमूनों की जांच नेगेटिव आने पर इन सभी को होम क्वारंटीन के लिए घर में भेज दिया गया है। हमारे पास देखे 32 पेशेंट आ चुके हैं जो कोरोना पॉजिटिव है भोटा में, उसमें से हमने 10 जो है 10 लोग स्वस्थ होके अपने घर जा चुके हैं। वो 10 में से 5 ऊना डिस्ट्रिक्ट के थे जो शुरू में आए थे और बाकी 5 हमारे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं और एक शायद आज हम छुट्टी कर देंगे, तो करीब 11 जो हैं अपने घर स्वस्थ जो है पहुंच जाएंगे। और अब हमारे पास बचते हैं करीब 21 केस, एक दो और आ रहे हैं, कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ है जो 5-6 महीने की है और जिसको प्रेगनेंसी है, जो पिछले कल 15 पॉजिटिव आए थे उनमें से कुछ ऐसे हैं 2-3 पेशेंट जिनको अलग से स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत है, वो भी शायद आज शिफ्ट होंगे।